फैमिली, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूँ विशाली, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ विशाली मित्रा के फैशन दोस्त पे। आज का थंबनेल टाइटल इंटरेस्टिंग है ना, हैशटैग पैटर्न सीरीज का वीडियो होने वाला है और वीडियो होने वाला है वाइट कलर स्पेशल। वाइट कलर में ब्यूटीफुल कुर्ती, सूट सेट और प्यारी सी ड्रेस। मतलब ये वीडियो बहुत कमाल का होगा इफ़ यू आर वाइट लवर, और अगर वाइट लवर नहीं हो तो आज बन जाने वाले हो, दैट आई श्योर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो होने वाला है मीशो से। मीशो से कमाल के आउटफिट मैंने आप लोगों के लिए चूज किए हैं और एक्चुअली आज का हॉल शुरू होगा ओनली 135 रुपीज से। यस, 135 रुपीज में बाय करने लायक कुर्ती आप लोगों के लिए मैंने ढूंढी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मीशो अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लेना, जिससे आपको फ्लैट 100 रुपीज या फिर अप टू 30% तक का ऑफ मिल सकता है आपकी फर्स्ट परचेज पे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट जो कुर्ती, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी, इट इज़ ओनली फॉर 135 रुपीज। मतलब फैब्रिक भी नहीं आता इतने में तो, और मुझे काफ़ी अच्छी कुर्ती मिली है। सो ग्रैब इट जल्दी से, क्योंकि ये स्टॉक आउट होने वाली है, आई एम डैम श्योर। चलिए, फर्स्ट कुर्ती जो है वो ऑफ वाइट कलर में है और ये खादी कॉटन मटेरियल है। लुक फ्रंट का एप्लिक वर्क, यस, ये अलग से पैच पूरा स्टिच किया हुआ है एम्ब्रॉयडरी के साथ, जो कि एक बंधेज पैच है और बहुत सुंदर लग रहा है। पाइपिंग लगाई हुई है, स्लीव्स पर पाइपिंग दी हुई है। मतलब जब ये मुझे रिसीव हुआ था, आई कॉन्ट बिलीव कि कॉटन मटेरियल में कुर्ती आपको मिल सकती है, क्योंकि इतने कम प्राइस में मैंने अभी तक क्रेप कुर्तीज़ ही ली हैं, वो भी बहुत ख़राब क्वालिटी की। सो ग्रैब दिस इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाए। स्ट्रेट कुर्ती है, बहुत सही है, थोड़ी बहुत सी थ्रू हो सकती है इफ़ यू फील लाइक। अगर आपने न्यूड कलर की ब्रा पहनी हुई है, बिलीव मी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इफ़ यू फील लाइक आप इसमें एक स्लिप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज न्यूड ब्रा के साथ अब इसको ऐसे ही इंजॉय करना। मैं भी ऐसे ही इंजॉय कर रही हूँ। इसके साथ मैंने एक दुपट्टा पेयर किया था, जो मैंने लिया मीशो से था, क्योंकि मुझे कलमकारी दुपट्टा लेना था मीशो से, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। सो ये वाला दुपट्टा मैंने ऑर्डर किया था, हालांकि कुर्ती से महंगा दुपट्टा है, आई थिंक 350 के अराउंड ये दुपट्टा मुझे पड़ा है। ये प्रॉपर कलमकारी दुपट्टा है, बट इसका जो फैब्रिक है, विच इज़ भागलपुरी सिल्क, अगर आपने सुना है, ये वो वाला फैब्रिक है। मतलब सॉफ्ट रहता है, बहुत ज़्यादा खड़ा खड़ा नहीं है, बट ये कॉटन नहीं है। इसमें हल्की सी शाइन भी है, प्रॉपर कलमकारी। इफ़ यू वांट थोड़ा कम प्राइस में, क्योंकि कलमकारी प्योर कॉटन पे थोड़े से एक्सपेंसिव लगते हैं काफ़ी सारे लोगों को, जबकि ऐसा नहीं है, बट वो लोग ये इंजॉय कर सकते हैं। इसको मैंने इस कुर्ती के साथ क्लब किया था, जो कि प्रिटी लग रहा था। अदरवाइज अब रेड कलर की बंधेज कुर्ती है, रेड कलर की प्लेन दुपट्टा भी, कुर्ती नहीं दुपट्टा, इसके साथ पेयर करेंगे तब ये बहुत सुंदर लगेगा। सो दिस इज़ माई फर्स्ट और सेकेंड परचेज, जो कि दिखा दिए मैंने। नेक्स्ट मूव करते हैं बहुत ही सुंदर कुर्ती से। मतलब आज का जो हॉल होने वाला है, मैं बहुत खुश थी, क्योंकि सारे ही आउटफिट मुझे बहुत कमाल के रिसीव हुए हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कुर्ती पर, वो भी है अगेन वाइट कलर में। वाइट ऑफ वाइट के बीच में ही सारे हैं, ऑब्वियसली पैटर्न सीरीज है। ये है एकदम वाइट में, पिछला वाला ऑफ वाइट में था, ये वाला एकदम वाइट कलर है और उस पर मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। ये वाली कुर्ती भी काफ़ी अफोर्डेबल है, आई थिंक 300 के अराउंड ये कुर्ती है, और ये भी बहुत सुंदर है। लीवा फैब्रिक में है, आगे की तरफ पूरा मल्टी कलर एम्ब्रॉयडर्ड वर्क हो रखा है। मैंने इसको रेड कलर के प्लाजो के साथ पेयर किया था। ये प्लाजो मैंने बहुत पहले मिंत्रा से ख़रीदा था, आप कहीं से भी ले सकते हैं। इस तरीके से पट्टी मिलेगी स्काई ब्लू कलर की, और स्ट्रेट कुर्ती मिल रही है। नीचे आपको बिल्कुल प्लेन फैब्रिक मिल रहा है, पीछे भी बिल्कुल प्लेन है, बट इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन और बहुत सुंदर क्वालिटी है। सो ट्राई करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी के कोड दे दिए, क्योंकि मीशो पर एज एन लिंक नहीं होते, तो कोड से आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट कुर्ती पर मूव करने से पहले बता दो, जो आउटफिट मैंने पहना हुआ है, इसका वीडियो बहुत जल्दी आएगा। ज्वेलरी मैंने ऑफलाइन ली थी, सॉरी ये नहीं मिल सकती आपको ऑनलाइन। सो आउटफिट का आने वाला है, इसीलिए बोलती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट कुर्ती, नेक्स्ट इज़ अ वेरी प्रिटी वन। इसका मैंने पहले भी आपके साथ एक कुर्ती, आई थिंक वाइन कलर शेयर किया था। दिस इज़ कम्प्लीट पार्टी वेयर कुर्ती। देखिए आगे ना, जो इस पर डिज़ाइन हो रखा है, एम्ब्रॉयडरी हो रखी है सीक्वेंस वाली, और मैट सीक्वेंस लगे हुए हैं थोड़े कॉपरिश कलर में, प्योर गोल्डन नहीं है, कॉपरिश कलर का बहुत ही सुंदर वर्क है। और जितने आप ये बूटे इसके सेल्फ पर देख रहे हो, ये पूरा वूवन गोल्डन बूटा है, और इस पूरे कुर्ती में कॉटन मटेरियल की लाइनिंग आपको मिल रही है। इसका जो फैब्रिक है ना,
ऊपर वाला वो चंदेरी सिल्क सॉर्ट ऑफ है, जो कि कंप्लीट पार्टीवेयर पीस हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर कॉटन मटेरियल की लाइनिंग है, इवन इसकी स्लीव्स पर भी लाइनिंग दी हुई है कॉटन मटेरियल की। यस, अंदर से स्टिचिंग वगैरह एवरीथिंग वॉज वेरी वेरी गुड, सो गो ग्रैब इट, बहुत ही अच्छा पीस है। इसमें और दो तीन कलर ऑप्शन है जो आपको कोड पर ही मिल जाएंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट लुक की तरफ, जो कि होने वाली है वाइट में। सो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जितने भी लोगों ने मेरा व्लॉग चैनल अभी तक चेक नहीं किया है, प्लीज़ डू चेक इट आउट, क्योंकि मैं वहाँ पर अब अपनी रीसेलिंग की वीडियोज़, जो कि आपकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड डिमांड है, सभी लोग मुझे कह रहे थे कि वैशाली प्लीज़ रीसेलिंग करिए अपने पीसेस, तो मैंने स्टार्टिंग की है। मे बी शायद वो वीडियो जा चुका होगा या आज ही जाने वाला होगा। मेक श्योर कि आप मेरे विशालीज ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन हिट कर देना, ताकि जब भी रीसेलिंग की वीडियो आए और आप अपने पसंदीदा आउटफिट को 70-80% पर ग्रैब कर सके। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आउटफिट पर। सारे ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में देती रहूँगी, ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। नेक्स्ट, अगेन अ वेरी प्रिटी सूट सेट, मतलब अनबिलीवेबल प्राइस में ये क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। देखिए लीवा फैब्रिक का इसमें टैग भी लगा हुआ है, एंड इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड, वेट अ मिनट, क्लोरल्स बैल ब्रांड का नाम है, क्लोरल्स इज़ द ब्रांड लीवा फैब्रिक में। लुक एट द, थोड़ा सा ऑफ वाइट में ही है, प्योर वाइट नहीं है और बिल्कुल ऑफ वाइट भी नहीं है, मिडिल का शेड है। यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी मिल रही है योग पे, राउंड नेक लाइन के साथ वी का कट आउट है, पूरी एम्ब्रॉयडरी मिल रही है, और यहाँ पर हल्का हल्का सीक्वेंस का वर्क भी है रेड एंड ऑरेंज के साथ। नीचे आपको टासल मिल रहे हैं, बटन लगे हुए, बहुत प्रिटी लग रहे हैं। यहाँ पर आपको एम्ब्रॉयडरी मिल रही है और साइड पर भी कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी मिल रही है, जो ये आपके आर्म होल से शुरू होकर नीचे तक जा रही है पूरी। ये देखिए पट्टी, इसमें आपको पॉकेट भी मिल रही है, सच अ ग्रेट फैब्रिक एम्ब्रॉयडरी के साथ मिल रहा है, बहुत सुंदर। इसके साथ आप रेड कलर का या फिर येलो कलर का दुपट्टा लगाना, बहुत प्यारा लगेगा। ओके, कुर्ती पर जितना भी काम है वो सारा एम्ब्रॉयडर्ड है, स्लीव पर भी एम्ब्रॉयडर्ड है। जो इसका पैंट है, इस पर आपको सेम प्रिंट मिलेगा, ये आपको एम्ब्रॉयडरी नहीं मिल रही है, पूरा प्रिंटेड वर्क है। दोनों साइड आपको पॉकेट मिल रही है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, और एकदम पैलर स्ट्रेट वाला पैंट होता है ना, वो वाले पैंट का फिट है, जो कि बहुत सुंदर है। अगेन लीवा फैब्रिक है बॉटम का भी, सो गो फटाफट से लूट लेना, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कब ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, अगेन अ वेरी प्रिटी सूट सेट, और ये आई थिंक यूरिस ब्रांड से है, अगर मुझे याद आ रहा है तो, सॉरी युफ्ता, द ब्रांड नेम इज़ युफ्ता, एंड इसका अगर मैं ओरिजिनल प्राइस आपको बताऊँ, सो 299 इज़ द ओरिजिनल प्राइस, इफ़ यू कैन सी। सो आपको तो एकदम होलसेल मिल रहा है, लूट लेना। अगेन खादी कॉटन मटेरियल है, और इसका ना थोड़ा सा ऑफ वाइट वाला ही है, क्योंकि खादी कॉटन है, बीच में आप टेक्सचर में हल्के हल्के से ना लाइंस देख रहे होंगे ब्राउनिश टाइप के, तो इसीलिए इसका शेड कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर पाइपिंग लगाई हुई है, बहुत अच्छे से स्टिचिंग की हुई है, फ्रंट पर बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी मिल रही है विद दिस टैसल, और बैक साइड पर भी काफ़ी अच्छा एम्ब्रॉयडरी का पैच मिल रहा है विद दिस ब्यूटीफुल टैसल अगेन, और नीचे से थोड़ा सा ए लाइन में कुर्ती हो जाती है। यहाँ पर ना कुछ टक्स लगा के यहाँ पे प्लीट्स बनाई हुई हैं, और नीचे ए लाइन में आपको कुर्ती मिलती है, बहुत सुंदर है यार, फैब्रिक काफ़ी अच्छा है प्राइस के अकॉर्डिंग। और दिस इज़ नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है फैब्रिक्स और सूट्स के साथ, मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ, और वैसे भी वीडियो स्पॉन्सर्ड हो या नहीं हो, एक्चुअली मैं वही शेयर करती हूँ जो मैं फील करती हूँ। सो फुल्ली इलास्टिक बैंड आपको मिल रहा है, और मिल रहा है इस तरीके से पैंट, जो कि थोड़ा सा टेपर्ड फिट में है। इसमें आपको दोनों एक ही साइड पॉकेट मिल रही है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, और नीचे की तरफ भी पैंट पर आपको काफ़ी सुंदर वही वाला पैच मिल रहा है, जो कि एम्ब्रॉयडरी के साथ है। सो इवन युफ्ता ब्रांड के आप और भी सूट सेट मिंत्रा और आजियो और अमेजोन पर भी देखना, इस ब्रांड के पीसेस काफ़ी अच्छे होते हैं और प्राइस भी अच्छे होते हैं, बट यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे प्राइस मिल रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी युफ्ता ब्रांड से कुछ और पीसेज जो मुझे अच्छे मिलेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। नेक्स्ट और फाइनल शो स्टॉपर, ओ माय गॉड, अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा इंस्टाग्राम चेक नहीं किया है प्लीज़ चेक इट आउट, वहाँ पर मैंने रील डाली थी, आप लोगों को आउटफिट बहुत पसंद आया था, तभी मैं समझ गई थी कि ये ही शो स्टॉपर है। ये देखिए कॉटन ड्रेस, इतना ब्यूटिफुल,
इसमें ये पूरा ना बंधेज का पैटर्न है, लुक एट दिस। और इसका जो ये पूरा चोली वाला पार्ट है ये पूरा स्ट्रेचबल है, ये देखिए फ्रंट से भी एंड बैक से भी। तो जब आप पहनते हो ना आपकी बस्ट लाइन पर बहुत अच्छे से ये फिट आता है, और शोल्डर पर इलास्टिक है और इसकी स्लीव्स के एंड पर इलास्टिक है। यार इससे ना बड़ा मज़ेदार होता है कि आप एल्बो के नीचे भी इसको रख सकते हैं, और आप चाहते हैं कि स्लीव्स के साइड आपको अच्छा सा पफीनेस मिले तो आप इसको एल्बो के थोड़ा ऊपर कर दो तो काफ़ी फ्लफी लगते हैं स्लीव्स, और नीचे भी कर सकते हो जैसा आपको पसंद आए। टायर्ड नारकली है, और इसमें मैंने लगभग 2.5 इंचेस का हील पहना था। ये काफ़ी लॉन्ग लेंथ में है, तो जितनी भी लंबी लड़कियाँ मैक्सी ड्रेस या कॉटन ड्रेस ढूंढ रही हैं, आपका बर्थडे है या आप किसी वेकेशन पर जाने वाले हैं तो डेफिनेटली इसको ग्रैब कर लेना। प्योर सॉफ्ट मलमल कॉटन में पूरा ड्रेस आपको मिल रहा है टायर्ड नारकली में। इवन आपको इसके अंदर मलमल कॉटन का लाइनिंग भी मिल रहा है पूरे घेरे के साथ। यस, ये देखिए ये आपको लाइनिंग मिल रहा है जो आपकी नीज तक को कवर करता है, और उसके नीचे मुझे लगता है ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि घेरा इतना बड़ा है कि आपको नीचे लाइनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। लुक एट द घेरा, ओ माय गॉड, सच अ फैबुलस ड्रेस। और जैसे कि मैंने इसको स्टाइल किया है, एक बैग ले लिया था, साइड बैग और स्लिंग बैग, और उसमें एक स्कार्फ टाई कर लिया था, तो पूरे ऑल ओवर लुक में एक कलर एक एलिमेंट ऐड करता है। देखिए इसी टाइप की ना स्टाइलिंग टिप्स मैं शेयर करती रहती हूँ अपने वीडियो पर, सो मेक श्योर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना इस चैनल को अगर आपको पसंद आया है वीडियो मेरे स्टाइलिंग टिप्स। सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे बहुत ही अच्छे और भी ऑप्शंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड स्टे चिपके। बाय।